चौक में कोई बीजेपी का आदमी वोट मांगे ना को जब निकूंगा, बता मेरे पोते का लगन कहा है, बता मेरे पोते की नौकरी कहा है, रोजगार की तू बात कहे, पोते ने बड़ा दो दुआ देंगे और तो फिर मान जाएगा के दिवा देंगे, के दिवा देंगे बहु और बहु चाहिए पोते दो, फिर बहु दो दुआ देंगे, पर सुसरा गण का एक मुंडे पछे मेरा पट्टा ये मलंग हंडी से आगे पछे आगे किमी को जो टेबर को ठान जान को बजान के कुर्सा के से मोदी नुगदा छोड़ी हंडे से खट्टर का किमी कोई नहीं आगे ने पछे ने लेना ने देना ने पछे फिर एक जना अपर का नहीं बोला खट्टर साहब आपको भी बोले हो के आपने शादी नहीं कराई कज पाटड़े पर तो बचो सगाई कुछ बताओ आप यो कज पाटड़े पर तो उठा था आगे आगे मैंने बुला की वोट लेके क्या बुलाऊंगा क्या बोलो 15 लाख देंगे तेरा कर्जा माफ करांगे और वो धनखड़ राम खोर बोला तेरा पोते की बोलो को टिक्को दियाऊंगा सामने बिहार ते छोरी लेनी पड़ो मैं सोची तेरा कर्जा माफ तेरा 15 लाख आऊंगे और पोते ने रोजगार मिलेगो तेरे पर गोबरबट्टी सो से वो भी राजी हो क्योंकि माँ भी राजी होगी मैं चौक में सुने आयो कड़े क्या का भी मैं कर दिया मैं ग्राउंड गया था जो के खोल ले बताओ तमी पोर्टर वो बंदे पाए मन तो और फिर एक बार बोले पलक जाए थे बोले आका पटवारी के दस्तक गिरदा और के दस्तक मेरा बाबू के दस्तक मैं सुरख में तो लाऊंगा मेरे बाबू ने अरे गुरु जी फसल तो जब चुकी जाएगी जब फसल में कोई फोआ होगा तिंदम को फोआ गुरु गुलाबी सुंडी चट कर की वो नुक्कड़ पड़े सिर्फ पानी आ जाए हम तो बाढ़ देखा जा पर एक महीनो हो गया पानी को टप्पो को नहरा में किसान चुनाव लड़ेगा चल क्यों नहीं लड़ेगा इनका बाप तो देखा था किसान प्रधान जी हाँ जी के विचार है दोबारा फिर आगे एक संगठन उठा था दोबारा फिर उन्हें मांगा लेके दोबारा वो मांग कहा है गुलाबी सुंडी उस टाइम कहा थी जो आजा की गुलाबी सुंडी ने नरमे की फसल को 100% बर्बाद करके रख दिया उसकी कोई चर्चा नहीं है चर्चा होगी रे क्लेम का यो बीमा काट दिया सरकार ने भी कड़े क्या का बीमा काट दिया मैं ग्राउंड गया था जो के खोल ले बताओ तमी पोर्टर वो बंदे पाए मन तो और फिर एक बार बोले पलक जाए थे बोले आका पटवारी के दस्तक गिरदा और के दस्तक मेरा बाबू के दस्तक मैं सुरख में लाऊंगा मेरे बाबू ने यह हाल है सरकार का आड़ा को अधिकारी को नहीं बैठा निश्चिम जाओ को सरसों का गेहूं का कोई बीज नहीं है कहाँ जाएगा किसान आप बताओ किसान को तो जगह है ही नहीं हाँ और मंडी में जाओ हमारे कि वो चेप लागे पहले बताओ पूरी फसल मूंग की बाजरे की गुआर की जीरी की बर्बाद हो चुके सुखे से जो थोड़ी बहुत बची बोले क्या वो कोई बाणिया लूटन ला रहा कोई खरीद को नहीं रोज खट्टर साहब के बयान आऊ से कृषि मंत्री का फावड़ा ले हंडल से सफाई तो किसान की मजदूर की कर दी ने प्रधान जी अगर मैं बात करूं फिलहाल जो बीमे कटे हैं केला आधी फसल चुकी जा इसकी है किस मनसा से बीमे कटे अरे गुरु जी फसल तो जब चुकी जाएगी जब फसल में कोई फोआ होगा तिंदम को फोआ गुरु गुलाबी सुंडी चट कर की वो नुक्कड़ पड़े सिर्फ पानी आ जाए हम तो बाढ़ देखा जा पर एक महीनो हो गया पानी को टप्पो को नहरा में न खंबा में तारा में बिजली तो हम तो नहीं देखा कि ट्रैक्टर यो का को भाड़ा सारा ले गया पर का फिरा दिया पर फिर जितने खड़े पानी को टप्पो न तो राम कने और न राजकन पानी नहरा भी पानी को नहीं ऊपर रामकन भी पानी को तो हम तो सूखे बैठे भैया के करा के नहीं करा तुम बताओ 2024 आ गया बताओ कहता हमें खुद बताओ कि आगे आगे मैंने बुला की है वोट लेके क्या बुलाऊंगा क्या बोलो 15 लाख देंगे तेरा कर्जा माफ करांगे और वो धनखड़ राम खोर बोला तेरा पोते की बोलो को टिक्को दियाऊंगा सामने बिहार ते छोरी लेनी पड़ो मैं सोची तेरा कर्जा माफ तेरा 15 लाख आऊंगे और पोते ने रोजगार मिलेगो तेरे पर गोबरबट्टी सो से वो भी राजी हो क्योंकि माँ भी राजी होगी मैं चौक में सुने आयो अन क्या झूठा के झूठी बात और फिर आड़े इशारा जो मोदो आए तो जीते वो भी ये बोल रहा था भैया साल 9 हो गया इबका चौक में कोई बीजेपी का आदमी वोट मांगे ना को जब निकूंगा बता मेरे पोते का लगन कहा है
बता मेरे पोते की नौकरी कहा रोजगार की तू बात कह। तेरे पोते ने बड़ा दो दुआएं देंगे और तो फिर मान जाएगा। के दुआ देंगे? के दुआ देंगे? बहू और बहू चाहिए पोते दो। फिर बहू दो दुआ देंगे पर ससुराल गण का एक मन पछे मेरा पट्टा ये मलंग हंड से। अच्छा आगे पछे आगे किमी कोनी जो टेबर को ठान सण को बजान के कुर्सा के से मोदी नुबदा छोड़ी हंडे से खट्टर का किमी कोई नहीं आगे ने पछे ने लेना ने देना ने पछे फिर एक जना अपर का नहीं बोला खट्टर साहब आपको भी बोले हो के आपने शादी नहीं कराई कज पाटड़े पर तो बचो सगाई कुछ बताओ आप यो कज पाटड़े पर तो उठा था। ये झूठे हैं दुनिया की अगर कोई झूठी शासक अध्यक्ष है और इस देश के अंदर है तो और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे झूठा राष्ट्राध्यक्ष हिंदुस्तान का है। प्रधान जी बचावा कौन का इस किन किसाना ने बीजेपी हम बचाएंगे अपने आप को। बीजेपी भ्रष्ट बताओ हो कांग्रेस का राज आपने देख लिया और इनेलो का राज आपने देख लिया हरियाणा में बच गया कौन है? बच गया यो नंबरदार बैठा है यो बैठा यो के नाम से मारा प्रधान जी और भगोरिया कौन सा चोर है यो रागा सरवर का चोर है देखी ननपाल से आदमपुर का प्रधान एरिया देव छोरी रोन लाग रही बेचारी और राज ने रोवा कौन को नहीं मारकन के कमी से हम तो अपने और पराए की पहचान नहीं करते। किसान चुनाव लड़ेगा तो क्यों नहीं लड़ेगा इनका बाप दादा क्या है? चुनाव चुनाव हिंदुस्तान के 140 करोड़ वोटर का है। गैर राजनीतिक संगठन कौन कहते हैं जब खट्टर की राजनीति है किसान को एक पैसा मुआवजा नहीं देना। खट्टर की राजनीति है कि गुलाबी सुंडी का इनकी गिरदावरी नहीं करानी। खट्टर की मोदी की राजनीति है नेहरू में पानी नहीं देना। खट्टर और मोदी की राजनीति है कि शिक्षा को खत्म करना वो लड़कियां बैठी है और हमारी राजनीति है कि हम अपनी फसल के पूरे दाम जाएंगे एमएसपी लागू कराएंगे हमारे बच्चों के भविष्य के लिए हम स्कूलों का बचाव करेंगे। हमारी राजनीति है हमारे नौजवान बच्चों को रोजगार देगा। कौन कहता हम राजनीतिक नहीं है? अगर मोदी है तो हम भी है उसकी राजनीति दूसरी है हमारी राजनीति ये है मैं साफ कह देना चाहता हूँ। तो भैया आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट करके जरूर बताएं। किसान दोबारा से फिर लघु सचिवालय के सामने बैठ चुके हैं बहुत सी मांगे हैं। गुलाबी सुंडी की से बात की जाओ हकीकत है कि गुलाबी सुंडी जो है 100% तो नहीं कह सकते लेकिन 95% जो है फसल नष्ट हो चुकी है। बाड़ी की फसल बिल्कुल गुलाबी सुंडी की चपेट में आ चुकी है। तो वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा किसान की आवाज़ उठाने का काम करें। धन्यवाद।